हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद। आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल फालतू में ऐसे फालतू तरीके से स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक बहुत ही गजब का अनाउंसमेंट लेकर के आया हूँ आपके लिए। गजब का मतलब समझ रहे हो ना। और वो गजब का अनाउंसमेंट क्या है कि आपको पता है कि 10th क्लास का जो वो बोर्ड का एग्जाम है ना, वो इस बार एमसीयू एक एग्जाम लिया जाएगा आपका, एमसीयू का है ना, हर एक सब्जेक्ट का। तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथ की बातें करूंगा है ना। तो एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में भी मे बी होने वाला है, सही है ना। तो उससे पहले अभी मेरे पास 2 महीने हैं, सेप्टेम्बर और अक्टूबर है ना, सेप्टेम्बर और अक्टूबर। इस 2 महीने के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, एमसीक्यूज के, ठीक है। उस सिलेबस के अंदर मतलब 10th क्लास के मैथ के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक चैप्टर्स बहुत ही स्मार्टली और है ना टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा, सही दोस्त। तो उसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में हम जरा बात करते हैं, सही है ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैथ 10th सीबीएसई ऑब्जेक्टिव पेपर्स। तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स मैथ के लिए जो है ना, केवल हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, आपको पता है। ओके तो देखिए इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ओनली सिलेबस, मतलब केवल टू दी पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, केवल सिलेबस की बात करूंगा, ठीक है दोस्त, केवल और केवल सिलेबस की बात करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, कंप्लीट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना उसकी पूरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुटकियों में कैसे बना सकते हो, स्मार्टली आप कैसे बना सकते हो, है ना। एक तो सब्जेक्टिव तरीका होता है बनाने का, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपके पास टाइम भी कम होगा, और जब टाइम कम होगा तो दोस्त आपको कुछ स्मार्ट वे अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना, बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा है ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे है ना सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, है ना, विद कॉन्सेप्ट। इसमें ट्रिकी बाजी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब आपको समझ में आएगा एकदम स्मार्टली कि हम कैसे किए जा रहे हैं विद लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें बात करेंगे, आपको 50 क्वेश्चन, देखो 50 क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा क्लास के अंदर, 50 क्वेश्चन मैं खुद डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर, है ना, ताकि इसे होगा क्या कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये आइडिया आपके अंदर आएगा। ओके सही है ना, एक ये बात। उसके बाद आप, उसके बाद 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए हर एक चैप्टर का, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पता है फालतू में, आपको पता होगा, नहीं पता तो जान जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप में जितना जल्दी हो सके आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे है ना, जैसे मैं आपको रियल नंबर चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, रियल नंबर चैप्टर का हो गया खत्म, उसके बाद 50 क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब 50 क्वेश्चन मैंने डालूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ओके। उसको आपको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, ओके। एंड जो प्रॉब्लम होगा आप वहां पे मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, आपको प्रॉब्लम जो होगा मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, हमारी तरफ से उसको फुल सपोर्ट होगा। आप जब चाहे है ना, आप अपना क्वेश्चन भेजिए और आपको सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और कुछ अगर आपका डिमांड है, ओके, और कुछ अगर आप चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ इससे भी बेहतर आइडिया अगर लग रहा है आपको, तो आप मुझे मुझसे जरूर शेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो यही बताना था आपको, एक छोटी सी नोटिस थी जो मुझे लगा कि मेरे दोस्तों के साथ बताना जरूरी है, ओके, ताकि मैं जो 10th लड़की 10th वाले की स्टूडेंट है ना, उनकी मैं ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं, यही हमारा मोटिव है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।